और मेरे फूडीज कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लेके आए पटेटो नगेट्स की रेसिपी। बनाएंगे इसको अपने वाले स्टाइल में। खाने में होते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बनाना है इनको बिल्कुल ही इजी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी मजेदार रेसिपीज की वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रही चीजें, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए 4 उबले हुए आलू, 1 कटोरी भुट्टे के दाने, 1 कटोरी ब्रेड क्रम, आधी कटोरी धनिया, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो गाइस सबसे पहले हम अपना एक पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे भुट्टे के दाने लिए हैं, ये फ्रोजन कॉर्न नहीं है, जो ताजे हमारे भुट्टे आते हैं उसके दाने हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया, और गाइस इसका हम एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हो पेस्ट हमारा बन चुका है। तो गाइस पेस्ट को हम एक बॉल में निकाल लेंगे, और इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू, और आलू को हम ऐसे हाथ से मैश करते हुए डालेंगे। और गाइस साथ ही हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने डाला है इसमें 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी ब्रेड क्रम। ये करीब 3 से 4 ब्रेड हैं जिनको हमने मिक्सी में पीस के इनका पाउडर बना लिया है। तो गाइस अब हम अपने सारे मसाले और आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश कर देंगे, ताकि जो हम पटेटो नगेट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहे अंदर से, और जो आलूओं की गांठें रह जाती हैं उसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करनी है, तभी हमें एक परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, और ये बिल्कुल अच्छे से हाथ में बंध भी रहा है। और अगर आपके आलू थोड़े से ढीले रह जाते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम आप और ऐड कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो गाइस देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, चलिए हम इसके फटाफट से नगेट्स बना लेते हैं। और गाइस नगेट बनाना तो बहुत ही सिंपल है, बस आपने हाथ में थोड़ा सा अपना डो लेना है और इनको बस एक सर्कुलर शेप देनी है, बस हमारे नगेट बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कितना ईजी है। और गाइस शेप आप अपनी पसंद से कुछ भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको गोल भी बना सकते हो, चौकोर भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाना। तो चलिए मैं तो इनके फटाफट से नगेट्स बना लेता हूं। तो गाइस देखिए सारे नगेट्स हमारे बन चुके हैं, और कितने बढ़िया ही इनकी शेप आई है। तो गाइस नगेट्स हमारे बन चुके हैं, तो चलिए इनकी कोटिंग के लिए हम मैदे का घोल बना लेते हैं। तो गाइस करना क्या है, हमें एक बॉल में 5 से 6 चम्मच मैदा लेना है और उसका एक गाढ़ा घोल बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल बना लेंगे, ताकि जो हमारे नगेट्स हैं उसमें अच्छे से डिप हो जाएं और उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाए। तो गाइस आप देख सकते हो हमने इनकी कोटिंग के लिए कैसे मैदा घोल लिया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। आपने भी इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। ज़्यादा पतला कर दोगे तो फिर उसकी कोटिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो गाइस नगेट्स हमारे तैयार हैं, ब्रेड क्रम हमारे तैयार है, मैदे का घोल हमने बना ही लिया है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से हम उनकी कोटिंग करते हैं। तो एक हाथ से हमने नगेट लेना है और इसको हम कर देंगे डिप पूरा अच्छे से, इसको स्विमिंग पूल में नहला देंगे, और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम में कोट करना है। गाइस कोट आप बिल्कुल अच्छे से करना, क्योंकि जो ऊपर से क्रंचीनेस है ना वो इसी से ही आने वाली है, और जो खाने में टेस्टी लगते हैं कुरकुरे वो मजे ही आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से कोट हुआ है। तो ऐसे ही हम फटाफट से अपने सारे नगेट्स कोट कर लेंगे, और कोट करना तो बिल्कुल सिंपल है, आप खुद देख सकते हो। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जिस हाथ से आप डिप कर रहे हो उस हाथ से आपने कोट नहीं करना, नहीं तो वो सारे ब्रेड क्रम आपस में चिपक जाएंगे गीले होके। तो आपने बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से हम अपने सारे नगेट्स कोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।
तो भाई नगेट्स हमारे प्रॉपरली कोट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमने कोट किए हैं, आपने भी सेम ऐसे ही करने हैं। और चलिए अब इनको हम फटाफट से फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो फटाफट से हम इसमें अपने नगेट्स डाल देते हैं और हमने इसको ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना, जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो आप उतना ही डालना, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे और अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाएंगे। और बीच बीच में हम इनको हिलाते भी रहेंगे, पलट पलट के बिल्कुल अच्छे से सेकेंगे। 8 से 10 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में, फटाफट से फ्राई हो जाते हैं ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो गाइस देखिए नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, कलर इनका इतना प्यारा आया है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। तो चलिए अब इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो गाइस हमारे होममेड पोटैटो नगेट्स बनकर तैयार हैं, हेल्दी क्रिस्पी टेस्टी, आप खुद देख सकते हो बिल्कुल लग रहे हैं कैफे स्टाइल नगेट्स। अंदर से भी आप इसकी स्टफिंग देख सकते हो, देख के इनको खाने का मन करता है। और इसको आप टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय करो, हरी चटनी के साथ एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे एक और रेसिपी के साथ।